छत पे मिस्त्री अभी लगे हुए हैं, फिलहाल काम शाम कर रहे हैं। कुछ ईटे जो रोड़े छोड़े हुए नीचे है, कुछ उन्हें दिए हुए हैं तो उन्हें काम करने दे, देर बाद लगाएंगे उनकी तरफ चक्कर। छत पे लगे हुए हैं तो चलते हैं उनके पास, देखते हैं काम कैसा कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। ठीक हो? बेजिबा करना है अभी थोड़े दिनों तक, तुम भी वेट करो। लो जी, हम छत पे जा रहे थे तो हमारा दोस्त हमारे घर में ही आ चुका मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस? ठीक हो? हेलो भाई, सुनाओ कैसे हो? हाँ चलो, मैं भी मिस्त्रियों के पास जा रहा था, उन्हें पूछ रहे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैंने तो मजदूरी कर रहे, हमारा दोस्त आपको फ्रेंड से दिखाते हैं कार्ड। आए अरे, इतना तुमने नीचे गिरा दिया जितना तुम लगा नहीं रहे। भैया सही होते हैं क्या हुआ आपको? ऐसे ही होते हैं, माल बचाना चाहिए। हमारा कौन सा माल आपके लग रहा है? शाबाश, हमने कहा था उनके लिए मदद है, चेक करी भाई। कैसे मदद चेक करो? खट्टा खट्टा चेक किया। हम उनके लिए यहाँ कूलर पड़ा था तो कह रहे थे पानी दे दो, हमने बोला अच्छा दे देते हैं पानी, तो अभी हम ले रहे हैं उनके लिए पानी। और ये कुछ ईंटे हैं, ये सारी अभी इन्होंने लगानी है, काफी ज्यादा है। और ये इन्होंने एक दीवार मुकम्मल कर ली है और वो वहां दूसरी कार रहे। तो गाइस मैं छत पे, इतना खतरनाक जो है ना वेदर हो चुका है, हर जगह डस्ट डस्ट हो चुकी है और बहुत तेज हवा चल रही है। ये देखिए कितनी डस्ट है, डस्ट डस्ट है, बड़ी तेज अंधेरी आई हुई थी और अभी बहुत तेज डस्ट हो चुकी है। आते वक्त ये थोड़े से नान और ये है सालन, ये मैं अपने टिफिन में डुबा लाया था, ये मैं ले आया था, चिकन है तो मीट है, ये नान है। अभी इसे गर्म करवाते हैं क्योंकि ठंडा ठंडा हमने खाना नहीं, इसे गर्म करवा के खाते हैं। Not bad. हल्की हल्की गनियां बनना शुरू हो गई है, मगर जो लोग हैं ना वो अपने काम में मसरूफ हैं, ट्रैक्टर खेत में से जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं और फिर उधर से इधर वो ट्रैक्टर आएगा, यहाँ मिट्टी आके फेंकेगा, ये वहाँ काम हो रहा है, वहाँ हमारा काम हो रहा है, हर जगह कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन। तो खाने के बाद बाहर बहुत कहना, हमने ठंडा मौसम हो रहा था, हमने बुलवा लिया घर वालों से चाय, तो पीते हैं। तो पी के टेस्ट करते हैं कैसी है। गर्म है लेकिन बहुत मजे की, अभी से ठंडा होने देते हैं, काफी मजे की चाय है। अगर आपने भी घर में ऐसी चाय पीनी है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनानी है। पहले हमने दूध ले लेना है, फिर उसके बाद पत्ती पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, थोड़ी सी अदरक भी डाल लीजिएगा, थोड़ा टेस्ट बन जाएगा। और फिर आपने इसे पका लेना है, जब ये पक जाए तो फिर आप इसे पी के देखिए आप कितना प्यारा आपको टेस्ट आएगा। तो मुझे तो काफी मजे की लगी है, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और इस चाय के लिए लाइक तो बनता है। अभी शाम हो चुकी थी तो हम जा रहे हैं बाहर खेलने की तरफ, देखते हैं लूडो लेट हो गए, 6 बज चुके हैं तो अभी 1 घंटा है, 7 बजे मगरिब होती है तो जा रहे हैं, देखते हैं लड़के खेल रहे हैं। शेर भी मेरे साथ जा रहा है, बोल दो लोग बोल दो लोगों को लाइक करें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूरी करना है। तो गाइस अब तो इब्राहिम ने कह दिया, अब तो आपको करना ही पड़ेगा गाइस।
मौजूद है ग्राउंड में, लेकिन आज तीन चार ही लड़कियां आज क्योंकि मौसम खराब था इसलिए इतने ज्यादा लड़के नहीं थे। इसको पता नहीं क्या हो गया, तो दो तीन लड़के हैं जो खेल रहे हैं, तो भी हम भी जाएंगे उनकी तरफ खाने के लिए। कह रहा मैंने छक्का लगाना है तो देखते हैं लगता है लेते हैं भाई। ब्लू बॉल से खेलेगा, ब्लू बॉल आउट 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 यार मलक जोर ही नहीं लाया यार, ये लगाने लगा है निशाना, देखते हैं लगता है कि नहीं किस्मत में था और इसकी किस्मत नहीं थी। आउट हो चुके और अभी मलक रेहान की बारी आ चुकी है, तो ये अपने लिए दूसरी इंट लेने गए थे और अब ये खेलेंगे, वो थोड़ी सी चेंज कर लेंगे और मानी साहब भी वेटिंग कर रहे हैं कि जब इनका मैच खत्म हो और फिर हम भी इनकी टीम की तरफ हो और हम भी खेलेंगे, वो भी मानी साहब इसी चीज का वेट है। चलो भाई रेहान साहब स्टार्ट करो, नेट की जानी चाहिए और नेट चली जानी। चलो भाई उन्हें सल्यूट कर रहे हैं, छे ही जे चलो छे नहीं चौका पक्का ਨਾ ਵੀ ਐਨੀ ਖੇਲਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੇਲੇ ਲਗੇ ਨੇ, ਵੇਖਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦ, ਚਲੋ ਮਾਰੋ ਬਈ ਲੈ ਬਈ ਲੈ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਆ ਮਾ ਉਠਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲਾ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡੱਟ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਆਪ ਬਸ ਚੌਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੀ ਮਲੰਗ ਪੈਤੀ ਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਤੂੰ ਜੀ ਲੈ पापा मेरे शॉट लगाने लगे हैं, मैं फील्डिंग में खड़ा हूं, लै नहीं लगी।
नहीं लगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आउट हमने मारना नहीं, शॉट लगानी है। देखें हम यहाँ मैच खेल रहे थे, कितने ज्यादा दुम्बे बकरे वगैरह, राइडर बन चुका हूँ, जाने लगा हूँ घर खेलने के बाद। पापा आए थे हेलमेट लेके।